बुलंदशहर का एक फायर स्टेशन गंदे तालाब में तब्दील हो चुका है, मगर उसके बाद भी ना तो उससे पानी निकालने की कोई बंदोबस्त किए जा रहे और ना ही फायर स्टेशन को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। आलम यह है कि फायर कर्मी इस गंदगी में रहने को मजबूर हैं और उनकी यहाँ सुनने वाला भी कोई नहीं। तो टाइम 24 की टीम आपको मौके से दिखाएगी कि जो ये फायर स्टेशन है खुर्जा में, उसकी क्या स्थिति है और जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने हैं। सबसे पहले आपको ये दिखाऊंगा जो फायर स्टेशन की खाली पड़ी ज़मीन, लगभग 4 से 5 बीघे में बना ये फायर स्टेशन एक तालाब में तब्दील हो गया है। देखने में आपको ये तालाब ही लगेगा, क्योंकि यहाँ जो पूरी कॉलोनी है आसपास की, उसका सारा गंदे नाली का पानी जो सप्लाई है वो सब यहाँ कटकर जो फायर स्टेशन की ज़मीन है उसमें आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ गंदगी, मच्छर और बदबू आपको यहाँ दिख जाएगी। और तस्वीरें आपको दिखाऊं जो ये टॉयलेट बने हुए हैं बिल्कुल जर्जर हालत में है, और मैं कैमरामैन से कहूँगा आगे चले मेरे साथ ताकि वो जो इसकी सच्चाई है वो आप तक दिखाई जा सके। एक नल है जो जर्जर हालत में पड़ा है, और यहाँ से कुछ दूरी पर आपको एक छोटी सी बिल्डिंग और दिखेगी बनी हुई, वो भी शौचालय बनाया गया था, क्योंकि जब ये शौचालय जर्जर हो गया तो प्रशासन द्वारा दूसरा जो शौचालय है वो दूर बना दिया गया। लेकिन आपको एक बड़ी कमी और बताऊंगा, जो ये बाउंड्री आप देख रहे हैं यहाँ पर, कुछ बाउंड्री है वो इतनी नीची है कि आवारा पशु हो या फिर बच्चे हो या कोई भी हो, वो इसे पार करके आसानी से यहाँ आ जाते हैं। और इसके अलावा जो आप तस्वीरों में देखेंगे कहीं भी बाउंड्री आपको नज़र नहीं आएगी, जहाँ तक आपकी निगाह इसमें तस्वीर में देख सकते हैं आप, यहाँ से कहीं भी जहाँ देखेंगे बाउंड्री नहीं है। और ये जो शौचालय है ये बिल्कुल गिराऊ और जर्जर हालत में है। नल की कंडीशन भी आपको दिख रही होगी कि किस तरह से है। और जो ये एरिया है इसका, फायर स्टेशन का, ये तालाब में तब्दील हो गया है और बत्तख यहाँ राज करती हैं। तो ये गंदे नाले का जो पानी है वो सब इसमें फायर स्टेशन परिसर में आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ जो फायर स्टेशन कर्मी हैं उनको खासा परेशानी होती है। कई बार की शिकायत के बाद भी अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकल पाया है। ये तस्वीरें बुलंदशहर के खुर्जा नगर में स्थित उस फायर स्टेशन परिसर की हैं, जिसे सन 1987 में फायर कर्मियों के लिए यहाँ बनवाया गया था, मगर एक दशक से यहाँ के हालात बद से बदतर हैं और इसकी सुध लेने वाला भी कोई नहीं। फायर स्टेशन परिसर में फायर कर्मियों के रहने के लिए बनवाए गए शौचालय और कमरे जर्जर हो चुके हैं, और स्टेशन परिसर का एक बड़ा हिस्सा तालाब में तब्दील हो चुका है। इससे फायर कर्मियों को न सिर्फ बीमारियों का खतरा बना रहता है, बल्कि यहां तैनात कर्मचारियों को शौच और नहाने जाने के लिए भी इस गंदे पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ता है। इतना ही नहीं, लंबे समय से जमा गंदे पानी की वजह से यहां रहने वाले लोगों पर जहरीले कीड़े और जानवरों का खतरा भी मंडराता रहता है। फायर कर्मियों का दावा है कि उनके द्वारा कई बार उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत भी की जा चुकी है, मगर अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो सका है। फायर स्टेशन के निरीक्षक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि किस तरह की उन्हें परेशानी होती है और क्या कुछ उनके पास समस्या है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अवधेश सिंह है। अवधेश जी, सबसे पहले ये बताइए मुझे, जो ये फायर स्टेशन परिसर है इसमें काफ़ी पानी भरा हुआ है, जो गंदा पानी है, तो किस तरह की समस्या और ये कैसे पानी यहाँ तक आया है? ये कॉलोनी का बहुत कई एक घरों का कॉलोनी का पानी फायर स्टेशन में आ रहा, लगातार आ रहा, पहले से आ रहा है और पूरे फील्ड में यही भरा चला जा रहा है। इसमें कीड़े मकोड़े, मच्छर और ये पनपते रहते हैं और हमेशा इसमें बीमारी का खतरा बना रहता है और होते बीमार स्टाफ बीमार होता रहता है। पीछे शौचालय के लिए स्टाफ जाता है तो पानी की वजह से उसमें मेड़बंदी करके किसी तरह से पीछे निकलते हैं, और ज़्यादा पानी हो जाता तो एकदम लबालब हो जाता, फिर निकलने में भी परेशानी होती है। अच्छा, ये ज़्यादा पानी की जो परेशानी है ये बरसाती सीज़न का मतलब कह रहे हैं, बरसात में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है? बरसात में तो हो ही जाता होगा, जब इस समय में पूरा भरा फील्ड भरा पड़ा है। हाँ। और इसका एक ही निदान है, इधर कॉलोनी वाला पानी है वो नाली किनारे किनारे, सड़क के किनारे किनारे, अरमापुर गांव की ओर जो सड़क जाती है फायर स्टेशन तक आती GT रोड से, उसके किनारे किनारे दोनों नाली बनके और
सीधा जीटी रोड वाले किनारे जो नाला बना है उसमें चला जाए तो इसका समाधान काफी हद तक रुक जाएगा और ये परेशानी दूर हो सकती है। बुलंदशहर की खुर्जा तहसील भी इस फायर स्टेशन के बहुत नजदीक है और यहाँ गंदे पानी से फैलने वाली गंदगी और गंदगी से उठने वाली बदबू ने आसपास के लोगों का भी जीना मुहाल कर रखा है। फायर कर्मियों की ओर से बताया गया कि कॉलोनी में पानी की निकासी न होने के कारण कॉलोनी का पानी उनके स्टेशन परिसर में ही जमा हो जाता है, जिससे उन्हें भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। मेरा नाम राहुल नैन है। सर, यहाँ कॉलोनी का ये गंदा पानी इकट्ठा होता है। कॉलोनी का जो गंदा पानी जो बाहर निकलने की व्यवस्था नहीं है उस पानी के, वो यहीं पे आके इकट्ठा होता है। पहले से ही ऐसा यहाँ पे चला आ रहा है। काफ़ी मच्छर वगैरह यहाँ रहते हैं और शौचालय की काफ़ी प्रॉब्लम यहाँ पर रहती है। जी सर, बाउंड्री लाउंड्री टूटी हुई है यहाँ पर, तो उस पर अभी लिखा पढ़ी की गई है, देखें कुछ समाधान किया जा रहा है। मेरा नाम ड्राइवर विक्रम सिंह है, मैं ड्राइवर के पद पर हूँ। ये फायर स्टेशन जो है 1987 में बना था और 1987 से आज तक यहाँ कोई क्वार्टर नहीं बने। तालाब का पानी यहाँ अक्सर भरा रहता है और इस पानी में इतने मच्छर हो जाते हैं कि यहाँ लौटना दूभर कर देते हैं। मुझे यहाँ एक साल हो गए। ये पानी कॉलोनी का आता है, इसे जो है SDM साहब भी बंद नहीं कर पाए। किस कई बार की है, कोई वो नहीं मिल पाया। कुल मिलाकर कहा यह जा सकता है कि फायर स्टेशन परिसर में बना गंदे पानी का तालाब यहाँ तैनात कर्मचारियों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है, जबकि जान जोखिम में डालकर आग पर काबू पाने वाले फायरमैन फायर स्टेशन को लेकर खुद मदद की गुहार लगा रहे हैं। खैर, अब देखने वाली बात यह होगी कि हमारी इस रिपोर्ट को देखने के बाद शासन प्रशासन इनकी इस परेशानी से इन्हें कब तक निजात दिला पाता है, या फिर इन कर्मचारियों को आगे भी ऐसे ही इस परेशानी से जूझना पड़ेगा। बुलंदशहर से Time24 न्यूज के लिए हामिद सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।